हेलो फ्रेंड्स, स्कूल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, फ्री कंप्लीट सिलेबस और फ्री डाउट क्लियर के लिए चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली एक्सरसाइज और फास्ट कैलकुलेशन सीरीज का क्लास होता है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, देखने के बाद आपका कैलकुलेशन का तरीका ही बदल जाएगा और आप औरों से बेहतर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो बोल रहा है, इन द फिगर इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट P such that angle PRT equal to 40 degree and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree. Find angle SQT. Let us calculate this question. देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ। PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी such that angle PRT equal to 40 degree angle RPT equal to 95 degree angle TSQ equal to 75 degree. In triangle PRT, देखिए एक ट्रेंगल बन रहा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 180, 95 प्लस 40। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में माइनस करना पड़ेगा ये दोनों को जोड़ के, तो वही हम लोग यहाँ करेंगे। एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसी को यहाँ लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, या अब देखिए पी आर टी 40 वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री। आर पी टी 95 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 95 डिग्री। अब देखिए पी टी आर एंगल नहीं पता है तो उसको उसी तरह रहने देंगे। पी टी आर इक्वल टू
180 डिग्री, ओके, या पी टी आर प्लस ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से माइनस कर दें तो हो जाएगा एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। अब देखिए पी टी आर हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल एस टी क्यू, ट्रायंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180। देखिए हम इसको कैसे लिखे बता देते हैं, एक इधर से लिए टी एस क्यू, एस क्यू टी और क्यू टी एस, इसी को इक्वल टू 180 कर दिए। यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको एस टी क्यू का वैल्यू कितना था, 45 प्लस 75, और हम लोग को निकलना था एस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 45 पर इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 120 डिग्री इक्वल टू प्लस, यहाँ लिखना पड़ेगा एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री, या एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, आसान है, समझ में आ जाएगा, ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है इन द फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ठीक है, पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर, ओके, एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। लिखेंगे इन द गिवन फिगर लाइन पी क्यू
परपेंडिकुलर पी एस कॉमा पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। ओके, अब यहाँ लिखेंगे एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। देखिए समझा देते हैं, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी। जेड टाइप का बना रहता था, बेसिक चैप्टर में हम बताए थे, ये अल्टरनेट बना रहा है, इस यहाँ से एंगल जेड टाइप का बना रहा है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65। देखिए ये यहाँ से इधर आता तो ये 65 है, ये भी टोटल 65 होगा, तो यहाँ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65 माइनस 28 करना पड़ेगा। तो यहाँ यही करेंगे x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 37 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं इन एंगल पी क्यू एस, इन एंगल पी क्यू एस इसमें लिखेंगे एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है, तो एस पी क्यू का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, या 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ये 90 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर हमेशा वहाँ 90 डिग्री बनाता है, तो 90 प्लस 37 करेंगे तो 127 डिग्री आएगा, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री 27 डिग्री, तो y इक्वल टू 53 डिग्री, y इक्वल टू 53 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू ये वैल्यू और y इक्वल टू ये वैल्यू। ओके, x इक्वल टू 37 डिग्री और y इक्वल टू 53 डिग्री, ये आपका आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इन द फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एट पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, यहाँ मिल रहा है, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एंगल क्यू पी आर। अब देख सकते हैं एंगल इसका जो है ये एंगल का आधा होगा,
ओके, तो ये इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, देखते हैं। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर एक्सटेरियर एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। देयरफॉर 1/2 एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 1/2 एंगल पी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, बट इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर एक्सटेरियर एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ लिखेंगे एक्सटेरियर एंगल देयरफॉर यहाँ लिखेंगे टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये देखिए टी क्यू आर और टी क्यू आर यहाँ से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। ओके, अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फ्रेंडशिप के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास होता है, एक कैलकुलेशन का और एक एक्सरसाइज का। ओके, थैंक यू।